सब बराबर चल रहा है ना? बराबर। ध्यान रखना काम पे। हाँ। कमलेश भाई कैसे है तू? एकदम बढ़िया, तू बता। बस गुड गुड। अच्छा एक बात बता। हाँ भाई, वो बोनस का क्या हुआ? वर्कर पूछ रहे थे। अरे मिलेगा ना, बोनस भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी। कंपनी आजकल बहुत फायदे में चल रही है। अबे तुझे कैसे पता? हाँ जियो तेरे साथ बैठकर दारू पीता है क्या? बात करता है। अंदर की बातें पता करने में उस्ताद हूँ मैं। अबे छोड़, बकचोदियों में उस्ताद है तू, ठीक है? अबे क्या बात कर रहा है यार तू। अच्छा अरे, वो तूने भाभी को गांव से बुलाया था? कैसी कट रही है रातें? मतलब? अबे नई नई शादी हुई है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कैसा चल रहा है सब। अच्छा वो सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। पूछा तूने? इसमें पूछना ही क्या है? पूछना पड़ता है भाई, वरना तेरे को तो मालूम ही आजकल का माहौल कैसा है। मिनटों में नए रिश्ते बनते भाई, मिनटों में। अरे नहीं नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। तू पूछ जरा, है ना भाई? भाई हूँ तेरा, आजकल ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। आईस तो ठीक है साले तेरा। अबे अबे शर्मा क्या रहा है, फैमिली वाली बातें हैं। अच्छा ये बता, बात हुई तेरी? अरे हाँ यार, पूछा कल मैंने उससे। हाँ तो फिर क्या बोली? वो बोली कि तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाता है। देखा, कहा था मैंने। आजकल क्या है ना, ये सब चीजें थोड़ा बढ़ गई हैं, पर तू टेंशन मत ले, भाई के पास सब चीज का जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? अब एक दवा आती है वाइग्रा नाम की, शाम को घर जाते हुए मेडिकल स्टोर से ले लेना है? और कल मेरे को बताइयो कि क्या रहा अनुभव। ठीक है यार, बहुत अच्छा भाई है तू अपना। और सुन, एक से ज्यादा मत लियो, ज्यादा लेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भी हो जाएगी, समझा? हाँ हाँ एक ही लूंगा यार। चल। आज एक बहुत खास चीज खाई है मैंने, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्या खाए? बस है कुछ चीज, तुम देखो खुश हो जाओगे तुम। कैसा था आज का? ज्यादा खुश मत होइए, इतना भी अच्छा नहीं था। यार ये समस्या तो बहुत बड़ी है, अब कैसे खुश रखूं उसको? अगर कहीं और रिश्ता बना लिया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तू डर मत, एक रास्ता है। इसके पहले कि वो कहीं और रिश्ता बनाए, तू खुद उसका रिश्ता बनवा देना। मतलब? देख, अगर तूने उसको किसी और के साथ अजीब हालत में देखा तो तुझे बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा भी बहुत आएगा। तो तू खुद ही किसी को ले जाके उससे मिलवा देना। अबे पागल है क्या तू? क्या बकवास कर रहा है साले, यही मारूंगा तुझे। अबे गहराई से सोच यार, गहराई से। इधर आ, देख तेरी बीवी तुझसे खुश तो है नहीं, तो वो दूसरा रास्ता जरूर तलाशेगी, और तूने अगर उसको पकड़ लिया ना तो तेरी फटके हाथ में आ जाएगी, समझा? इसीलिए कह रहा हूं कि तू खुद उसके पास किसी को लेके जा, भाई तुझे भी बुरा नहीं लगेगा और वो भी खुश हो जाएगी, समझा? अबे क्या बकवास आइडिया ये, मान ले कि मैं किसी को उसके पास लेके जाता हूं। हाँ लेकिन क्या वो इसके लिए मानेगी? पूछ के तो देख, जरूर मानेगी।
भाई अनुभव से बता रहा हूँ, अनुभव से, समझा? आ गए आप? देख, तेरी बीवी तुझसे खुश तो है नहीं। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे। वही तो नहीं हो पा रहा हूँ मैं। मतलब कि तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिजूल में इतना परेशान हो रहे हैं। सुनो ना, एक बात कहूँ? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो। अगर तुम किसी और के साथ करना चाहती हो तो मैं किसी को ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। आप पागल हो गए हैं? देखो कुछ नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एक बंदे को लेकर आऊंगा यहीं घर पर ही, और तुम उसके साथ कर सकती हो। इससे मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। देखो मैं बोल रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? मान जाओ। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। और वो बंदा कौन होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम हाँ तो करो। अगर बुलाना ही है तो हैरी को बुलाइए। और ये हैरी कौन है? मेरा पुराना दोस्त। पुराना दोस्त? ये कहाँ मिलेगा अभी? इसका फोन नंबर है मेरे पास, अगर आप इजाजत दे तो मैं फोन कर सकती हूँ। ठीक है, बुला लो। अरे भाई अब कुछ तो बोल। भाई सोचने दे यार। भाई तू टेंशन मत ले, बहुत सही डिसीजन रहेगा मुझे ऐसा लगता है। देख अगर भाभी खुद ये कह रही है कि एक पतंग को दो डोर से उड़ाया जा सकता है तो तुझे क्या परेशानी है? कभी वो खींचे तो तू ढील दे दे, कभी तू खींचे तो वो ढील दे दे, और कभी बीच में दोनों जन मिलकर ठुमके लगा लेना। हा? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन वो हैरी के साथ भाग तो नहीं जाएगी ना यार। यही तो बेस्ट है इस आइडिया का, कहीं नहीं जाएगी। वो यही चाहती है और तू दे रहा है, और क्या चाहिए फालतू। लेकिन अगर वो इससे खुश नहीं हुई तो? उसने चुना है, खुश हो जाएगी। और सुन, कर और मेरे को बता, मैं भी ट्राई करूंगा यार। अबे तू चुप कर। बेस्ट आइडिया है। बात हुई हैरी से? कानपुर में है, कल आ सकता है। आप कहे तो बुला लो उसे। हाँ बुला लो। एक दो दिन तो रुक जाना। मुश्किल है, मुझको काम है कल। थोड़ी दाल ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं रहने दो, बस हो गया।
थोड़ी दाल ले लीजिए ना। नहीं भाभी, हो गया। सिगरेट पीते हो? नहीं, मैंने कभी नहीं पी। ट्राई तो करो, ट्राई। आप सिगरेट पी के आ जाइए, मैं जाता हूं। आप ठीक है? हाँ, मुझे क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार मिला हूं ना उससे, तो इसलिए थोड़ा सा बस। लेकिन मैंने बोला उसको थोड़ी देर में यहाँ आने के लिए। हैरी कैसा लगा आपको? वो तो बहुत अच्छा है। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, और चिंता बिल्कुल मत करिए, आपको बहुत अच्छा एहसास होने वाला है। अच्छा सुनिए, आप बैठिए, मैं हैरी को बुला के लाती हूँ। तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, खुश तो हूँ, लेकिन वो कुछ घबराया घबराया सा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घबराई हुई तो मैं भी थी पहली बार, लेकिन तब तो सब कुछ समझ में आ रहा था तुम्हें। अच्छा छोड़ो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। चलो। बैठू? अरे तुम्हें पता है, हम लोग वहाँ घूमने गए थे ना मेले में। इनको भी मैं वहाँ लेके गई थी, और ये वहाँ जाके तो फंस गए बिल्कुल ही। क्या हुआ? जो सीन देखना था वही कट हो गया, पूरा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूँ तो आप अपने फेवरेट शो पूरे देख सकते हैं बिना कटे, यानी जो सीन आप देखना चाहते हैं वो आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आप चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए उल्लू ऐप, जस्ट क्लिक एंड प्ले।